लंच हो या हो फिर रात का डिनर, खाने के बाद सुस्ती तो आती ही है और जब सुस्ती आती है तो हम सोचते हैं क्यों ना बिस्तर पर लेटा जाए। लेकिन आपको पता है बिस्तर पर सीधा खाने के बाद लेटने से कितने हमारे शरीर को नुकसान पहुंचते हैं, जरूर इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यश टीवी पर, बन चुकी है आपके साथ आपकी दोस्त मंजू। दोस्तों आज जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है कुछ खास बातें। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी खास बातें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों खाने के बाद हम क्या करते हैं, हम खाने के बाद ही तुरंत लेट जाते हैं और रात को जब खाना खाते हैं तो तुरंत हमें कभी भी नहीं लेटना चाहिए, उससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आइए जानते हैं खाने के बाद हमें वॉक करनी क्यों जरूरी होती है। दोस्तों खाने के बाद हमें वॉक करनी बहुत जरूरी होती है, इससे क्या होता है, इससे जो हमारा खाना है वो पच जाता है और हमारी जो सेहत है वो भी सही रहती है। और एक बात का हमें जरूर ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि खाने के बाद जब हम वॉक पर जाते हैं तो हमें तेजी से भागते हुए वॉक नहीं करनी है, तेजी से भागते हुए हमें कभी भी नहीं चलना है, हमें धीरे धीरे ही चलना है। अगर हम तेजी से भाग के चलेंगे इससे क्या होगा, हमें पेट की समस्या हो सकती है। इसलिए कभी भी हमें वॉक पर जाना है तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे ही चलना है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा खाना है वो भी अच्छे से पचेगा और हमारी जो सेहत है वो भी सही रहेगी। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी वॉक बहुत जरूरी होती है। इससे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से जो शुगर का लेवल होता है बढ़ जाता है, जब हम वॉक पर जाते हैं खाने के बाद तो वो कंट्रोल में आ जाता है, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और वॉक करने से जो हमारा तनाव होता है वो भी कम होता है और जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो भी सही रहता है। इसलिए खाने के बाद जरूर हमें वॉक पर जाना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और दोस्तों इसके साथ हमें क्या फायदा मिलता है वॉक करने से, वो मैं आपको बताती हूँ। जिन्हें खाने की क्रेविंग रहती है ना, कि उन्होंने रात को खाना खाया लेकिन आधी रात को उनको फिर से भूख लग जाती है कि अब क्या खाया जाए, उनके लिए वॉक करना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, जो क्रेविंग होती है ये कम हो जाती है और जो हमारा खाना है अच्छे से हमें पच जाता है और ये समस्या हमें नहीं रहती है। और वॉक करने से जो हमारा वजन है वो भी कंट्रोल में रहता है, हम ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। इसलिए खाने के बाद जरूर हमें वॉक पर जाना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की बातें आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ आपके अपने चैनल यश टीवी पर, लेकिन आप कहाँ चले जी, फटाफट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ आपके चैनल यश टीवी पर। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।